ਮੈਮ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸ ਬੜੀ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਮਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ, ਬਸ ਇਹ ਰੀਸ ਬਥੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। Anybody for a question? Just raise your hands so that we can see. Yes, here. First of all, I just love your voice. Ma'am, as you are very well experienced on this field of acting, so please tell me ki is field mein like ek actress ki zindagi mein sabse mushkil phase, difficult phase kab aata hai? On stage? No. Do you participate in the college things? She dances. I'm a school student and I want to. So what? So what if you're a sports student? You can always do other things, right? Actress ki zindagi mein, aapko kya sawal sunai diya? Yes ma'am. Actress ki zindagi mein sabse mushkil tab hota hai jab aap kuch wo play karte hain jo aap nahi hote. So I think aapke andar bhi alag alag sides hongi. Ek bahut mazakiya hogi jahan pe friends ke sath bahut enjoy karte hain, ek apne teachers ke samne bahut prim and proper, yes ma'am, thank you sir, but wo exactly aap nahi hai lekin aap formal hai, correct? Then ek bahut mehnati side hai jahan aap sports mein jati hongi to aapko hoga ki I should perform the best, that's the ambitious spirit you have. So there are various things in you, कौन से रोल के लिए कौन सी साइड निकालनी है, कई बार हमारे अंदर से ही निकलता है, हमारे अंदर सब थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसा मैंने दिल्ली 6 में किया था, वो मेरे जैसी नहीं है, जैसा मैंने मिल्खा में किया था वो भी मेरे जैसी नहीं है, तो कई बार आपको बहुत, आई थिंक राकेश मेहरा ने मुझे ऐसे रोल्स दिए हैं जो शायद मेरे जैसी नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल रोल्स रहे, बिकॉज दिल्ली 6 बहुत ब्लेटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत गाली गलौज करने वाली लड़की थी, और मतलब मुझे अपने को एक्टर से, अभिषेक से, ओम जी से सबसे सीखना पड़ता था दिल्ली का कुछ बताओ ना, सो दीज वर नॉट माई थिंग्स। तो पहला शॉट जब देती थी तो बहुत नर्वस होती थी कि ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही, लेकिन एक बार जब आप फ्लो में आ जाते हैं वो एक साइड आपके अंदर और आप डिस्कवर करते हैं, देन यू आर कॉम्फर्टेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनी मोर ऑफ योर डन बिग फिल्म का नाम सुनी था पंजाबी बंगला जी। मैम माय क्वेश्चन इज दैट यू हैव अ राइटिंग टैलेंट, सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, राइटिंग और एक्टिंग? वो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फॉर हिंदुस्तान टाइम्स नाउ आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माय मदर, आई लॉस्ट हर इन जनवरी, बट मुझे लगता है कि उनका मेरी जिंदगी पे इतना स्ट्रॉन्ग असर था कि मैं अगर सबसे नहीं शेयर करूँगी कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था अपनी माँ के साथ तो वो सही नहीं होगा, तो उसमें कुछ मस्ती है, एंड शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो लिखा, अभी मैंने पूरी किताब खत्म की है। मुझे याद है हम लोग एक प्ले कर रहे थे, मैं ओमपुरी के साथ एक प्ले कर रही थी, और एक आंटी बैठी थी ऑडियंस में, और वो स्टेज पे आई आफ्टर द प्ले एंड शी हग्ड मी टाइट, तो मुझे लगा परफॉर्मेंस के लिए शी इज यू नो सेइंग, शी सेड वेरी वेल परफॉर्म्ड, आई सेड थैंक यू, शी सेड आपकी वजह से मैंने अपने आप से दोस्ती की, आई सेड कैसे, शी सेड तुम राइट अप लिखती हो, तुमने लिखा था अगर कोई नहीं मिलेगा साथ में तो एक बार डरो सही लेकिन खुद के साथ अकेले हॉलीडे पर निकल के देखो, शी सेड इन माई 35 ईयर्स ऑफ मैरिज मैं शायद पहली बार अकेले गई हूँ और मैंने अपने आप से दोस्ती की, सो थैंक यू फॉर दैट। तो मुझे लगा कि राइटिंग से भी आप कितने लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको देखते हैं, आई थिंक इससे बेटर ग्रेटिफिकेशन क्या हो सकता है किसी के लिए। Read an article that you have done so many Telugu, Malayalam, Punjabi and English and Bollywood movies. So ma'am, आपको कौन सी type की movies करने में ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा? Two categories of movies, enjoy करूँ जो मुझे लगे maker अच्छा है, जहाँ मेरा रोल बहुत अच्छा है, जो लोगों को पसंद आएगा उस ऑडियंस के लिए वो फिल्म अच्छी है और वो मैं करूँ। Okay, thank you. Yeah. And I'm from What's your name? Rishita. Rishita. Yeah. And I love to that you coming today and I feel that I am a Bengali and you also a Bengali. I am not a Bengali, honey. You're not a Bengali. I am a staunch Punjabi, but हाँ बहुत लोगों को ये But I see you in a ad, I think.
प्रसन्न मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मौन अच्छो बट इतना ही बोल सकती हूँ थैंक यू सो आई सी इन योर बदलापुर सो हाउ इज योर कोएक्टर इज करुण धवन सो हाउ फील यू द स्पीच करुण धवन आई वांट टू हाउ डिड आई फील वर्किंग विद हिम यस ही वाज डूइंग अ वेरी सीरियस रोल तो यहाँ पर हम लोग बहुत बहुत मेहनत की इस पर मैं एक्चुअली हमारे सीन्स बहुत डार्क और बहुत सीरियस थे सो लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स वी डिड टुगेदर एंड आई थिंक ही इज अ टोटल फन गाय